लॉ कॉलेजों में बैक डेट से प्रवेश और बिना स्टडी किए यानी कि बिना अध्ययन के डिग्रियां हासिल करने से संबंधित गंभीर आरोपों के मद्देनज़र इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश दोनों को लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित होने वाले लॉ कॉलेजों की संख्या की एक अनुमोदित सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बार काउंसिल ने कोर्ट को लॉ कॉलेजों की बढ़ती संख्या और उनके संदिग्ध संचालन की ओर ध्यान दिलाया जो दागी पृष्ठभूमि वाले वकीलों को आकर्षित कर रहे हैं जिनमें अक्सर नियमित अभ्यास की कमी होती है और जो कि अवैध कामों में संलग्न रहते हैं। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि लॉ कॉलेजों की बढ़ती संख्या और उन्हें चलाने का तरीका दागी पृष्ठभूमि वाले वकीलों के इस पेशे में शामिल होने का एक प्रमुख कारण है जो खुद को नियमित अभ्यास में संलग्न नहीं करते हैं यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे वकील के रूप में अपनी स्थिति और अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हैं, सुबह उठते ही उन गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जो वकीलों के लिए आवश्यक उच्च पेशेवर मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे लोग पूरे पेशे को बदनाम करते हैं। यह आरोप लगाया गया था कि कई लॉ कॉलेजों में प्रवेश पिछली तारीखों से होता है और बिना किसी अध्ययन के छात्र डिग्री हासिल कर लेते हैं, इसलिए कोर्ट को मामले के इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि लॉ कॉलेजों में वृद्धि और उनका संदिग्ध प्रबंधन दागी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानूनी पेशे में शामिल करने में योगदान देता है। नियमित कानूनी अभ्यास की कमी वाले ये व्यवसायी पेशेवर मानकों के साथ असंगत गतिविधियों के लिए अपने वकील की स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। यह मुद्दा पूरे कानूनी पेशे पर खराब प्रभाव डालता है, विशेष रूप से कई लॉ कॉलेजों में उचित अध्ययन के बिना बैक डेट में प्रवेश और डिग्री हासिल करने के आरोपों के संबंध में न्यायालय से जांच करने का आग्रह किया गया है। उपरोक्त विचारों के आलोक में न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी को निर्देश दिया कि लखनऊ में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संचालित और पूर्व द्वारा अनुमोदित लॉ कॉलेजों की एक सूची प्रदान करें। इस सूची में पढ़ाई की शुरुआत की तारीख, वार्षिक प्रवेश और क्या ये कॉलेज नामांकित छात्रों के बारे में संबद्ध विश्वविद्यालय को सूचित करने के लिए बाध्य है जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। तो वकीलों से संबंधित जो मामले चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वकीलों से संबंधित चाहे वो जो है अवैध कब्जे को लेकर के हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के मैटर को लेकर के हो, तो इस तरह के मामले की सुनवाई लखनऊ में हो रही है, उसके लिए जो है उच्च न्यायालय की तरफ से एक स्पेशल खंडपीठ का गठन भी किया गया है और उस पर उस खंडपीठ में जो है ऐसे मामलों की सुनवाई हो रही है जिसमें वकीलों पर आरोप लगे हैं, चाहे वो अवैध कब्जे को लेकर के हो, चाहे वो किसी के साथ धोखाधड़ी का मामला हो, तो इस तरह के सारे मामलों की सुनवाई जो है जो लखनऊ के अधिकारी का क्षेत्र लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर जो वकील कार्य कर रहे हैं वहाँ के जो भी मामले हैं उसके लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, तो उनसे संबंधित सभी मामलों की सुनवाई उस बेंच के समक्ष हो रही है। तो उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान इस तरह के मामले को उठाया गया, तो अब लखनऊ बेंच ने जो उसके अधिकारिता क्षेत्र के भीतर संचालित होने वाले लॉ कॉलेजेज हैं उनकी जो है एक लिस्ट मांग ली है और लिस्ट में उन सभी चीज़ों को मेंशन करने कहा है जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो अब जो है लखनऊ हाई कोर्ट देखेगी, क्योंकि आप जानते भी हैं कि किस तरीके से वर्तमान समय में जो है लॉ कॉलेजेस की भरमार हो गई है, हर जगह लॉ कॉलेजेस खुल रहे हैं और वहाँ पर आप जानते भी हैं कि प्रवेश कैसे होता है, परीक्षा कैसे ली जाती है, और साथ ही साथ वर्तमान समय में आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कानूनी पेशा को बदनाम किया गया है। तो ये बदनामी कोई और नहीं, हम ही आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वकालत की आड़ में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पूरी जो एडवोकेसी है, जो पूरा जो एडवोकेट्स का समाज है वो बदनाम होता है। तो इस तरह की बदनामियों को देखते हुए इस तरह के जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वकील के रूप में खुद को वहाँ पे स्थापित करके लोग तरह तरह के अवैध कार्य कर रहे हैं, तो इसी तरह के जो भी मामले लखनऊ हाई कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र के अंदर घटित हुई हैं उस पर लगातार सुनवाई हो रही है जिसमें वकीलों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये कॉलेजेस की लिस्ट लखनऊ बेंच के समक्ष रखी जाएगी तो इस पर लखनऊ बेंच का क्या फैसला आता है।